कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेल में एक अलग सा ही स्वैग चल रहा है। सात ऐसे कॉम्पैक्ट एसयूवी जिन्होंने अपने सेल फिगर को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करी है, लुक्स पे, फीचर्स पे, सेफ्टी पे, सब पर ही। लेकिन COVID-19 पेंडेमिक के चलते सिर्फ सिडान हैचबैक की नहीं, कॉम्पैक्ट एसयूवीज को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है सेल में। सेल इतनी ज़्यादा कम हो गई है COVID-19 के चलते कि एक गाड़ी ने तो जीरो सेल करी मई के महीने में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मई के महीने में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सी कॉम्पैक्ट एसयूवी बिकी है, और इसे कंपेयर करेंगे मई 2019 के डेटा से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, लाइक और शेयर तो करना ही करना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब मई 2020 में सेल्स कॉम्पैक्ट एसयूवी की इतनी इंटरेस्टिंग थी, इतना कुछ चेंज आया कि कुछ एसयूवीज जो बेस्ट सेलर हुआ करते थे COVID-19 से पहले, आज वो बेस्ट सेलर तो कह सकते हैं लेकिन टॉप 3 पोजीशन भी नहीं है। कुछ ऐसी गाड़ियां बस जिन्होंने अपनी बस नाक ही बचा ली सेल्स के मामले में। वैसे इस सेगमेंट में हमेशा दो गाड़ियों का कंपटीशन रहा ही रहा है, वो तो है मारुति ब्रेजा और हुंडई वेन्यू, पर इस बार कोई और ही गेम ले गया। जी, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा XUV 300 की। महिंद्रा ने 1257 XUV 300 मार्केट में बेची, जबकि हुंडई वेन्यू ने उससे 15 गाड़ियां कम, मतलब 1242। फिर आती है टाटा नेक्सॉन जिसने 623 यूनिट्स की सेल करी। फिर आई है मारुति ब्रेजा जिसने 572 यूनिट्स ही बेच पाई। इकोस्पोर्ट आती है पांचवे पोजीशन पर जो सिर्फ 331 यूनिट सेल कर पाई। मैं आपको बता दूं, इकोस्पोर्ट ने 2019 मई में 3604 यूनिट्स बेची थी। फिर आई होंडा WRV, ये छठे नंबर पर है, सिर्फ 114 यूनिट्स ही बेच पाई। और TUV 300 का इतना बुरा हाल है कि मई 2020 में वो एक यूनिट भी नहीं बेच पाई। अगर आप, मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दूं, आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। अब ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है 2019 का डेटा, और जो रेड लाइन देख रहे हैं वो है 2020 मई का डेटा। अब वो ग्राफ देख के आपको समझ में आएगा कितना सेल्स का डिफरेंस है और कितनी प्रॉब्लम आई है इन गाड़ियों को गाड़ी बेचने में। अब देखिए, लॉकडाउन उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन मई 2009 में जब सेल शुरू हुई तब भी बहुत कुछ चेंज आया डेटा में, और कस्टमर्स का एकदम से टेस्ट ही चेंज हो गया मेरे हिसाब से। तो अब आप देखेंगे, मारुति ब्रेजा ने 2019 मई को 8781 यूनिट बेची, जबकि 2020 मई में सिर्फ 572। अगर आप देखें, एक ब्लू लाइन जो महिंद्रा TUV 300 के ऊपर है 1393, ये है मई 2019 में बेची थी। महिंद्रा TUV 300 ने एक भी यूनिट नहीं बेची थी मई में, इसलिए वहाँ पे कोई ग्राफ है ही नहीं। वैसे ही आप देख सकते हैं हुंडई वेन्यू जो 7049 यूनिट्स बेच चुकी थी, और इस मई में 2020 मई में सिर्फ 1242 यूनिट्स बेच पाई। आप होंडा WRV ले लीजिए, 1520 यूनिट बेची उन्होंने मई 2019 को, और सिर्फ 14 यूनिट बेच पाई मई 2020 को। फिर आती है फोर्ड इकोस्पोर्ट, 3604 मई 2019 और सिर्फ 331 यूनिट मई 2020। और टाटा नेक्सन जो लास्ट में आप देख सकते हैं 4506 यूनिट मई 2019 को बेची और सिर्फ 623 बेच पाई मई 2020 को। अब देखिए, जो भी सिचुएशन है, अब कंपटीशन तो बढ़ेगा, कुछ और भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज आ रही हैं जो इन सारी गाड़ियों से सीधा का सीधा टक्कर लेगी। अब देखिए, अब जैसे ही असर ख़त्म होता है COVID-19 का, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जैसे भी ख़त्म होगा, जब सेल्स फिगर बढ़ेंगी तब हमको कुछ चेंजेस बहुत नज़र आने वाले हैं इसमें। अब ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।